इंच ऑफ वेक्टर स्पेस बोल नहीं पा रहे हो, कोई बात करनी चाहिए सर, दिखा रहे हैं दर्द किस टाइप से, ये सब हम आपको समझा रहे हैं। और इसमें भी क्या करना है सर, ये कैमरे में भी मोनो तो ऐसे वाइस में है, देखो आर एन ओवर आर इज ऑफ आर एन ओवर आर इज ऑफ डायमेंशन एन, आर एन ओवर आर इज ऑफ डायमेंशन एन, दैट इज डायमेंशन ऑफ आर एन ओवर आर इक्वल टू क्या जी, ये फार्मूला हो गया। आर थ्री का क्या हो जाएगा, थ्री आर टू का क्या हो जाएगा, टू। मेरे डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि सी ओवर आर आर का वेक्टर डायमेंशन क्या होगा, इसकी बेसिस क्या होगी, ये पढ़ के आना। सी ओवर आर वेक्टर स्पेस होता है, इसकी बेसिस क्या है, पहला क्वेश्चन। इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन कितना होता है, बेसिस में जितने एलिमेंट रहेंगे वही क्या कहलाएगा, डायमेंशन। क्या बनाना है जी, चलो आगे हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन लिखो, बेसिस प्रूफ करना, प्रूफ कराने के लिए क्वेश्चन लिखा रहा है, ध्यान समझिएगा। बेसिस लिखिए, सो दैट एस बराबर क्या है, 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0, तो ये है 1 minus 1 2 1 minus 1 2, so that s बराबर 1 2 1 2 1 0 1 minus 1 2, forms a basis for R3 over R. Basis for R3 over R. ठीक है ना, चल अब इसको बेसिस दिखाना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, दो चीज दिखाना है, पहला LI और दूसरा क्या जी, Z vector। पक्का ना, चलो लिखो लिखो सॉल्यूशन। Given that S बराबर
लिख रहे हैं अनसॉल्विंग, आप सॉल्व करेंगे अनसॉल्विंग वी गेट क्या, गेट अल्फा स्क्वायर टू जीरो बीटा स्क्वायर टू जीरो गामा स्क्वायर टू जीरो, हेंस द सेट एस इज अलाइव, हेंस द सेट एस इज रूम में बैठ के 3-5 करके उसे सॉल्व कर लेते हैं, पक्का है कि जीरो आएगा या आएगा, ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करना, वहाँ से करना, फ्लाइंट ना करना आ जाएगा। तुम जब लिख लिया करो तो पूरा करो, ठीक है ना, हम तुम्हारे हिसाब से लिखे, ठीक है ना, तुम आराम से लिखो, रोज रोज आया करो जी, इतनी दिन कह रहे थे किसको जगा रहे थे कहीं नहीं, आज वो नहीं है जगह था और नहीं जाएंगे, तुम भी कंटिन्यू नहीं रहते हो जी, जानते हैं हाँ जाते हैं बोलो सर, ये जगाता है नहीं सुधर सर, खाने में बहुत डांटता है तो क्या करें, पानी पीते हैं दूसरा पतला होता है उसे आन साल में विकेट लिख दी और कौन साल करेगा, हाँ साल कर लेना भाई, इन्हें कैसे लिख दोगे, ठीक है ना, तू थोड़ा सा अपना बच्चा काम ऐसा ऐसा करके ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से टू मल्टीप्लाई करके या टू मल्टीप्लाई करके बीटा काट देना, एक क्वेश्चन मिल जाएगा अल्फा कामों में, पहले अल्फा कामों में कर दो जीरो आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड वे सो दैट the set s generates करना, ठीक, ऐसे आपको एग्जाम में करना है। तो अब आते हैं हम लोग
निकाल लोगे अल्फा बीटा गामा के वैल्यू कुछ भी निकालना है सीबीसी के फॉर्म में निकाल लोगे पक्का कैसे थन गामा का इक्वेशन निकाल लोगे हम खुद साथ निकाले दो वैल्यू किसे आप निकाल निकाले हमारा जो निकालना वो है कर्तव्य चलो देखो ऐसा करते रहो देखो यहाँ पे क्या है जी अल्फा और गामा है ठीक और ये इक्वेशन क्या है जी बीटा भी है तो क्या करें इसको टू से मल्टीप्लाई फ्रॉम इक्वेशन किससे जी फोर एंड फाइव मतलब क्या जाएगा वो यहाँ तो अल्फा प्लस क्या टू बीटा प्लस गामा इसको टू क्या जी ए यहाँ क्या जाएगा फोर अल्फा प्लस टू बीटा माइनस टू गामा इसको टू क्या जी टू इसको हम क्या करते हैं बाबू माइनस करते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा जी कैंसिल माइनस थ्री अल्फा प्लस थ्री गामा इसको टू क्या जी ए माइनस टू फिर हमको एक क्वेश्चन दिया है क्या दिया जी इसको मिलते हैं क्या थ्री अल्फा प्लस सिक्स गामा इसको टू क्या इसको कैसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सिक्स तो अपने हिसाब से हैंडल कर लेना क्या कैसे लिखना है ठीक ये अपन क्या हो जी कैंसिल ठीक है ना yes. कोई दिक्कत ये कितना जाएगा जी नाइन गामा इसको टू क्या जाएगा ए माइनस टू बी प्लस क्या जी तो गामा इसको टू क्या हो गया ए माइनस टू बी प्लस क्या थ्री सी वाई क्या हो गया जी ठीक देयरफॉर फ्रॉम किससे जी इक्वेशन सिक्स अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी सी माइनस क्या है टू गामा तो टू से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बोलो चलो जी लिखे दो तो क्या जाएगा ए माइनस टू बी प्लस क्या जी थ्री सी अपार क्या अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ माइनस टू ए होगा ये तो माइनस टू ए फिर यहाँ पे क्या जाएगा प्लस फोर बी फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा सिक्स सी और ये एल सी एम लेंगे तो नाइन सी माइनस सिक्स सी कितना जाएगा प्लस थ्री सी वाई क्या हो गया ये अल्फा हो गया अल्फा ठीक अब इक्वेशन किसके लिए अब इक्वेशन फोर इसको आप निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू जाएगी ना बोलो बीटा की वैल्यू क्या आएगा दिख रहे हैं फाइव ए माइनस बोलो जी क्या लिखा है फाइव उसको समझ नहीं आ रहा तो समझ में आया आप कुछ डिस्कस कुछ किया ही नहीं जी बस अल्फा बीटा गामा वैल्यू किसने निकाल दिया ये भी ठीक है इतना क्लियर है अब बुक खोलो बुक लाया जी सर फोर प्लस फोर को मैट्रिक्स में और सॉल्व कर देता क्या फोर प्लस फोर को मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर मैं नेट में कर सकते हो इससे डायरेक्ट वो फॉर्मेट में आ जाएगा ऊपर हम बी बी सी निकाल तुम कर सकते हो तो फ्री हो आ जाएगा बस आपको अल्फा बीटा गामा वैल्यू चाहिए बस आपको और काम धाम नहीं करना तुम चाहे जिस मेथड से निकाल दो तो देखो अब वहां पे बुक में क्या लिखा है पेज नंबर 217 ठीक है ना पहला देखिए क्या लिखा है 217 पेज पे लिखा है ना 100 बराबर यहाँ पर अब देखो हमने क्या लिया था जनरल लिया था ना अब देखो अगर किस एलिमेंट को लिखना हो किसके लिए कॉम्बिनेशन में उस सेट एस के बताओ अल्फा बराबर क्या आ जाएगा ऐसे समझ रहे हो हमारी बात अब इसे 100 लिखना है यहाँ तुम क्या लिख दिए 100 तो बी सी वैल्यू क्या हो गई 0 बचा क्या ए बचा ए की वैल्यू क्या है 1 बताओ अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू बाई क्या 9 प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कहाँ गया 5 बाई क्या हो जाएगा 9 प्लस
गामा वैल्यू क्या हो जाएगी? -9 देखो ये आंसर आ गया बुक में, देखो -2/9, 5/9 और 1/9। अब बताओ तू बार बार फिर देखो लिखा है वहां पे सी उधर गई। अब बताओ एक बार किया उतना स्टेप लगा, फिर 100 करो, फिर उसको करो, इससे अच्छा क्या करो, एक ही बार जनरल निकालो। अब तुम कोई भी एलिमेंट लाओ कहीं से भी आर्थरी का, हम उसको इसके लिनियर कंबिनेशन में लिख देंगे कहीं से भी, ठीक है ना। 5, 4, -3 तो भी अल्फा वैल्यू, बीटा वैल्यू, गामा वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। बुक में देखो तो मेहनत किया है, 3-3 बार किया है सिमिलरली सिमिलरली करके। हम लोग एक बार मेहनत किए और किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी करिए, वी हैव करके बाद इसको लिखिए, यहाँ से पूरा लिख दे, थोड़ा फास्ट लिखिए जितना फास्ट हो सके। देखो दो जगह पढ़ाया जाएगा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सर, एक 2014, 16, 18, 20 में एग्जाम में होगा उसका चांस आने का, कलो थ्योरम पढ़ाया जाएगा और एक थ्योरम और, दो थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाया जाएगा। तो कल कौन को नहीं आएगा तुम्हारा मुझे पता है पक्का? तो उस नाश्ता से लेकर आओगे, उस नाश्ता से खा के आई नहीं जाओगे तब तब बनाओगे, आज कर दें क्या है कर दे। जल्दी लिखो भाई, दो सेंट्रोज वाले एकदम क्लास नहीं कर रहे हैं जी, नहीं वो तो आज कल ना कल आया था लड़का। ये सब हमको देना चाहिए आप रूम पे लेगा क्या थे, लेकिन कुछ पकड़ों में नहीं निकाल पाते हैं, फिर पूछते अच्छे अच्छा भैया पहले मैं बता रहा हूँ। राजस्थान क्लास करती है जी, तो क्या पढ़ा रहा है सर? एडमिशन जैसे अभी सेकेंड ईयर का नहीं आया था रिजल्ट,
तब भी क्लासेस रन करने लगे तो अटेंडेंस आपको मांगा जाएगा क्योंकि आप तो प्रमोटेड है ना, फेल तो है नहीं आप। यस सर। लेकिन उन्होंने भाई साहब ने फेल भी कर दिया था। पहुंचे सब छात्र एकदम जिंदा हुआ। पता नहीं जी सब ए बी सी ये क्या मतलब का बात सही कैन बी एक्सप्रेस एज अ कैन बी एक्सप्रेस एज अ हमको दो बकरोल मिले एक को पीछे पता नहीं कितने बकरोल है फंसे यार ये बकरोल दो मिले ये बकरोल तो मुझे ए बी सी वैसे लिखते हैं कैप्टन ब्रैकेट में लिखते हैं उनको पढ़ाना बेकार है। कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस हेंस एस इज अ बेसिस ऑफ आर थ्री हेंस S is the basis of R3. देखो, hello, heading. Thank you.
अब बताओ ऐसा कौन सा अल्फा बीटा गामा तुम्हें मिलेगा जो इस कंडीशन को होल्ड करे, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और कोई नंबर तुम चूज नहीं कर सकते जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कुछ हो तो बताओ, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा गामा को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो जैसे अल्फा बीटा गामा जीरो तो सेट क्या हो गया, ये अलाइन हो गया। इस तरह से क्या जी बेसिस वो दिखाएंगे, जनरेटर क्या करेंगे, जनरेटर के लिए कोई भी एलिमेंट ले लेंगे उसको इसके लिए कॉम्बिनेशन लिखेंगे, फिर वही अल्फा बीटा गामा वैल्यू उसके फॉर्म में हम लोग निकाल लेंगे। बुक में निकाला गया, एक बार पूछा गया है, ठीक है ना, इसको डिलीट कर लेना, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो उनसे। हम कल हम लोग पढ़ेंगे, कल का थ्योरम लिखिए, इम्पोर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, बुक में लिखा है पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी डियर, इसीलिए मैंने वाला पढ़ा दिया आपको, ठीक है। एल आई भी दिखा दिया कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, देखो अगला थ्योरम देखो, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 220 थ्योरम नंबर 3 97 2006 11 14 16 18 बहुत बार पूछा गया है, पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे, दोनों लोग क्या किया जाएगा जी, डिस्कस के। अरे बुक में देखो कितना लिखना है, आइडिया लग जाएगा ना जी, हाँ देखो ये बुक में है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट है, लिखाई लिखाई दिया इतना और है। अगर तुम बुक में लिखा है डायरेक्ट निकाला पर तुम्हें अपने से क्या करना है, मेहनत करना है, जैसे अपने यहाँ निकाला था अल्फा बीटा गामा वैसे निकाल रहा है, ठीक है। देखो थ्योरम लिखो, बहुत अच्छा थ्योरम है जी, कल इसको पढ़ के आना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हम भी पढ़ के आएंगे फिर बातें किया जाएगा इस पर, ठीक है। लिखो Any two bases of a finitely generated, any two bases of a finitely generated vector space B have the same number of elements। हम लोग इसका चर्चा कल करेंगे, आज ये हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो फालतू में कुछ करने आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक। कोई कहीं से डाउट दे, कोई डाउट नहीं है, लाइए ये सब थोड़ा सा क्लियर है, वेक्टर स्पेस भी क्लियर होगा। अच्छा कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो वेक्टर स्पेस ना हो, Q ओवर R इज नॉट वेक्टर स्पेस, सब सेटिस्फाई करेगा वो अल्फा एक्स 1 में से होता है ना। आप सब अपने पास रखते रहो, आप पढ़ो क्लियर, अब बहुत ज्यादा जल्दी होते जा रहा है, और मैट्रिक्स में बहुत तेज खत्म करेंगे, ठीक है ना, उसमें समय नहीं लगेगा। आप सोच रहे 3-4 लेक्चर में आपको वेक्टर स्पेस नहीं, इसके बाद में एलटी बनाएंगे, मैट्रिक्स हम लास्ट में बनाएंगे, ताकि तुम आराम से क्वेश्चन में बने रहो। मैं जब मैट्रिक्स पढ़ा देंगे तो कहोगे अरे सर मैट्रिक्स पढ़ लिए सर, हो गया बारिश इधर बारिश इधर, सही सन्ने सेक्शन भी हो गया, बस नहीं ये बात कितना चले पहले लिखे डांस सारे सर पढ़ाएंगे, वह वो भी आता 10 बार नंबर का नहीं नहीं इसी से रिलेट कराया हो, पढ़ लेगा तो कॉलेज में सब लोग ठीक है, तो चला जाए उसे आप कर दीजिए। कल हम सर से एक बार पूछ लेते हैं।